नमस्कार, न्यूज 19 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ उनके सक्सेना। नजर डालते हैं इस वक्त के सुप्रभात राजस्थान की ओर। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम के कपाट मंगलवार सुबह 6:20 पर खुल गए। मंदिर के मुख्य पुजारी जगत गुरु रावल भीम शंकर लिंग शिवाचार्य ने मंदिर के कपाट खोले हैं। मंदिर को 20 क्विंटल फूलों से सजाया गया। पिछले 72 घंटों से यहां बर्फबारी भी हो रही है। खराब मौसम के कारण मंदिर जाने वाले हजारों तीर्थयात्रियों को आगे बढ़ने से रोक भी दिया गया। इसके बाद भी बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 8,000 से ज्यादा लोग आज बाबा के दर्शन करने पहुंचे हैं। राजस्थान में 29 मार्च को 8 साल की बच्ची से हुए दुष्कर्म और हत्या के आरोपी कमलेश के खिलाफ पुलिस ने 306 पेज की चार्जशीट पेश की है। इसके मुताबिक कमलेश ने बच्ची से दुष्कर्म और हत्या करने के पहले 30 बार पॉर्न फिल्म देखी थी। इसके बाद बच्ची को घर बुलाकर के कमलेश ने तब तक दुष्कर्म किया जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। मौत के बाद उसने छुरी से मासूम की लाश के 10 टुकड़े किए और थैलियों में भर करके बाथरूम में छिपा दिए। जब आरोपी के माता पिता को इस घटना का पता चला तो उन्होंने लाश को ठिकाने में बेटे की मदद भी की और सोमवार को कोर्ट में पेश की गई चार्जशीट में 48 गवाहों के नाम हैं। प्रदेश में बहुचर्चित संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले की जांच सीबीआई को ट्रांसफर करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। इस संबंध में दायर संजीवनी सोसाइटी पीड़ित समिति की याचिका सोमवार को खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसी याचिकाएं न तो तथ्यों और न ही कानूनी आधार पर यहां चलने योग्य हैं। इस स्तर पर मामले में दखल देना और मामले की जांच सीबीआई को भेजना गलत होगा जबकि मामले की जांच अंतिम चरण में चल रही हो। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राहुल गांधी के मुद्दे पर बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा जिस राहुल गांधी की बदौलत यूपीए राज में एक से बढ़कर के एक योजनाएं लागू करवाई उनसे बेशर्म आरएसएस और बीजेपी ने मकान खाली करवा लिया। इतनी छोटी तुम्हारी औकात है, ऐसा उन्होंने कहा है। साथ ही यह तो हमें पता ही नहीं था, हम तो सुनते थे कि आरएसएस के लोग उस वक्त अंग्रेज के लिए मुखबिरी करते थे जब कांग्रेस के लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। डोडासरा महंगाई राहत कैंप की शुरुआत के मौके पर जयपुर के पास महापुरा में रैली के अंदर यह कह रहे थे।